रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव पर बैठक के दौरान रणनीति बनी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी बैठक में मंथन हुआ। कांग्रेस प्रदेश में पदयात्रा करेगी, तारीख भी तय हो गई है। 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। बलौदा बाजार कानून व्यवस्था को लेकर पदयात्रा निकाली जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के पहले ये पदयात्रा होने जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। बलौदा बाजार की घटना में निर्दोष लोगों को जेल भेजने का हमारा मुद्दा रहेगा कि लचर कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, हमारा मुद्दा रहेगा महिला सुरक्षा को लेकर और सरकार की विफलताओं को लेकर। इन मुद्दों के साथ एक बड़ा मूवमेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी आने वाला समय में करने जा रही है। ये पैदल यात्रा तो अभी तो पूरे साल चलेगी, लेकिन हम लोग इसको पार्ट पार्ट में करेंगे। अभी फिलहाल अभी पहला पार्ट हम लोग का रहेगा नगरीय निकाय पंचायत चुनाव से पहले, फिर पंचायत चुनाव के बाद कानून व्यवस्था का मीटिंग ले रहे हैं और वहां पे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री डिपार्टमेंट के मंत्री नहीं है तो कैसे कानून व्यवस्था का समीक्षा होगा? गृह मंत्री अलग रास्ते पे चलते, मुख्यमंत्री अलग रास्ते पे चलते। तो देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि जनता ने सरकार को जनादेश दिया है तो सरकार जनता का काम करे, लेकिन ये सरकार जनता का काम नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को इस सरकार ने लूटने का काम कर रही है और कमीशन खोरी का काम कर रही है, इसलिए इस सरकार से दो दो हाथ करने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरी है और आगे भी उतरेगी।